मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, सहाचार्य इतिहास विभाग, MSG कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, अमीर खुसरो के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अमीर खुसरो का जीवन परिचय है वो आपको बताना अधिक पसंद करूँगी, क्योंकि अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली नामक गांव में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, और ये जब 8 वर्ष के ही थे तभी से इन्होंने अभी अपनी कविता करना प्रारंभ कर दिया, और 12 वर्ष की अवस्था तक वे बड़ी अच्छी कविता करने लगे थे। अमीर खुसरो की गिनती अपने समय के उच्च कोटि के कवियों में की जाती है। उन्होंने फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त हिंदी का भी अध्ययन किया था। अमीर खुसरो बहुत अच्छा संगीतकार भी थे। उनकी ख्याति को सुनकर के बलवन के शासनकाल में उसके ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने, जो उस समय सिंध, मुल्तान, दीपालपुर के सीमांती प्रांतों का गवर्नर था, को अपना नदीम यानी दरबारी बना लिया था। अमीर खुसरो शाहजादा मोहम्मद के साथ 5 वर्ष तक मुल्तान में रहे। जब 1284-85 में शाहजादा मोहम्मद मंगोलों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया, तो अमीर खुसरो भी अन्य सैनिकों के साथ मंगोलों द्वारा कैद कर लिया गया था, किंतु शीघ्र ही वह उनकी कैद से मुक्त होकर मुल्तान होकर दिल्ली पहुंच गए। जलालुद्दीन खलजी के समय में वह सुल्तान का मुसहफदार अर्थात व्यक्तिगत पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनकी पदवी सुल्तानी महफिलों में मलेकुल नदमा यानी नदीमों का बादशाह की थी। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी और सुल्तान गैदुद्दीन तुगलक के समय में भी वह उनके दरबारों से संबंधित रहा और उन्हें बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। वह दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन उलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या जियाउद्दीन वर्णी 100 से अधिक बताता है, लेकिन इनके ग्रंथों में 6 ग्रंथ ऐसे माने जाते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनका मैं आपको बताना चाहूँगी, और जो उनका जो पहला ग्रंथ है किरान उस सदाइन, इसकी रचना अमीर खुसरो ने सुल्तान केकुबाद यानी 1287 से लेकर के 1290 के समय में की थी। इसमें उसने सुल्तान केकुबाद और उसके पिता बुगरा खां, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, के बीच अवध में जो भेंट हुई उसका वर्णन किया है। यह उसकी पहली कविता थी जिसमें उसने एक ऐतिहासिक घटना का इतने विस्तार से उल्लेख किया है। इस ग्रंथ द्वारा उस समय की भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दशा पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। इसमें अमीर खुसरो ने दिल्ली शहर की दशा, उसके मुख्य भवन, किला खेड़ी के राजभवन का निर्माण,
दरबार का वैभव, ऐश्वर्य और वैभव, अमीरों तथा उच्च पदाधिकारियों के पारस्परिक व्यवहार का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया है। दूसरा जो ग्रंथ है मिफ्ता उल फतुहु, इसकी रचना अमीर खुसरो ने सुल्तान जलालुद्दीन खलजी के शासनकाल में 1291 ईस्वी में की। इसमें सुल्तान जलालुद्दीन खलजी की उन विजयों का उल्लेख किया गया है जो उसके द्वारा उसके शासन के प्रथम वर्ष यानी 1290 से 1291 ईस्वी में की गई। यह अधिक लंबी कविता नहीं है और उसके तीसरे दीवान काव्य ग्रंथ मुर्तुल कमाल का ही एक भाग है। खुसरो ने कविता बड़ी साधारण शैली में लिखी है और इसमें उसने जो कुछ भी लिखा है वह बड़ी सावधानी से ऐतिहासिक दृष्टिकोण में लिखा है। इस ग्रंथ से हमें मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन तथा जाइन की विजय का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। तीसरा जो ग्रंथ है खजाइन उल फतुहु, अमीर खुसरो की रचना तारीख अलाई के नाम से भी प्रसिद्ध है और गद्य में लिखी गई है। इसकी रचना उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1311 ईस्वी में की। इसमें खुसरो ने अलाउद्दीन की उत्तर व दक्षिण भारत की विजयों तथा उसके समय में हुए मंगोल आक्रमणों का विस्तार से वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ग्रंथ है। इसके बाद उनका चौथा जो ग्रंथ है देवल रानी तथा खिजर खां, जो आशिका के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना अमीर खुसरो द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी के समय में ही 1316 में की गई थी, किंतु इसमें कुछ छंद उसके द्वारा बाद में लिखकर और जोड़ दिए गए। इसमें खुसरो ने अलाउद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र खिजर खां तथा गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी के प्रेम की कहानी का उल्लेख किया है। प्रारंभ में खुसरो ने इसे देवल देवी तथा खिजर खां के विवाह का उल्लेख करके समाप्त कर दिया था, किंतु मुबारक शाह द्वारा खिजर खां के वध तथा अलाउद्दीन की बीमारी और मलुक काफूर के अत्याचारों का वर्णन बाद में उसने गैसन तुगलक के राज्यकाल में लिखकर इसमें जोड़ दिया गया था। इस रचना में ऐसी अनेक बातें हैं जो अन्यकालीन इतिहासों में नहीं मिलती है। उस समय के उच्च वर्ग की सामाजिक स्थिति का परिचय प्राप्त करने के लिए अमीर खुसरो का यह काव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद पांचवा ग्रंथ है नुहू सिपेहर। नुहू सिपेहर की रचना अमीर खुसरो ने सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी के समय में 1318 ईस्वी में की। यह ग्रंथ 9 भागों में विभाजित है। पहले 2 सिपेहरों में खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की कुछ लड़ाइयों और भवन निर्माण का हाल लिखा है। तीसरे सिपेहर में उसने भारत की वैभव और गौरव की प्रशंसा की है। भारत की जलवायु, वनस्पति, फल फूल, भारतवासियों के चरित्र तथा भारत के रीति रिवाजों का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। दर्शन और अध्यात्म विद्या के ज्ञान में वह भारतवासियों के बराबर किसी को नहीं समझता था। अन्य अध्याय में उसने भारतीय राजनीति पर प्रकाश डाला है। सुल्तान और अन्य
अधिकारियों के कर्तव्य बताए हैं। इसके अलावा वह स्वयं का उल्लेख तूती ए हिंद, हिंद का तोता के नाम से करता है। उसका छठवां ग्रंथ है तुगलक नामा। यह अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक कविता है। इसकी रचना उसने सुल्तान गैसुद्दीन तुगलक के शासनकाल में की और उसके द्वारा खुशक शाह पर गैसुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। यह विजय गैसुद्दीन तुगलक को 1320 ईस्वी में प्राप्त हुई गाजी मलिक यानी गैसुद्दीन तुगलक द्वारा अन्य अमीरों को पत्र लिखने और उनको अपनी ओर मिलाने तथा खुशक शाह के विरुद्ध युद्ध करने का विस्तृत वर्णन हमें इस रूप में किसी अन्य समकालीन ग्रंथ में नहीं मिलता है। अमीर खुसरो एक कुशल संगीतकार भी थे। संगीत कलाओं में अमीर खुसरो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा ही माना जाता है। सितार का आविष्कार उन्होंने भारतीय वीणा और फारसी तंबूरा इन दोनों को मिला करके किया था। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ने हिंदू भजन या कीर्तन के अनुकरण पर कव्वालियों की रचना की थी, इसलिए अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी माना जाता है। अमीर खुसरो को उर्दू भाषा में सर्वप्रथम काव्य रचना का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए मसनवी दीवान ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ओलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कलाहा की उपाधि प्रदान की थी। इन नवीन उन्होंने कई रागनियों को भी जन्म दिया था, जिनमें ईमान जिल्फ साजगरी महत्वपूर्ण हैं। ये नवीन राग शैलियों के रूप में माने जाते हैं। भारतीय और पर्शियन यानी ईरानी रागों का मिश्रण करके इन्होंने नवीन राग शैलियाँ हैं उनको जन्म दिया था। सामाजिक स्थिति को लेकर के अमीर खुसरो ने कहा, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। अमीर खुसरो के अनुसार हिंदुस्तान में सिंध नदी के तट से भारतीय समुद्र तक केवल फारसी गुफ्तार ही है। भारतीय भाषा हर 100 कोस के बाद बदलती है, परंतु फारसी भाषा 4000 फासंग तक एक ही रहती है। इस तरह से अमीर खुसरो के ऐतिहासिक ग्रंथ संगीत के क्षेत्र में वीणा का योगदान, विभिन्न प्रकार की राग शैलियाँ ये महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हमें विभिन्न दिल्ली सुल्तानों के शासन काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इन ग्रंथों से भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि उसमें घटनाओं को समझने तथा उनका उल्लेख करने की अच्छी योग्यता थी। उनकी निरीक्षण शक्ति बड़ी तीव्र थी। उन्होंने छोटी बातों तथा साधारण घटनाओं का ही बड़ा ही मार्मिक विवरण दिया है।